तो बीड़ू लोग फाइनली अपने को जो चीजें चाहिए था वो अपने पास आ चुकी है, और इस चीज की अपने को काफी नीड भी था काफी समय से। सो ये है माइक अडाप्टर गोप्रो के लिए, और ये रहा सोनी का माइक, और ये पड़ा हमको शायद 1800 कुछ पड़ा, और ये 4500 पड़ा, और अपना जो ये गोप्रो केस है। तो अब आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी से ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने को टाइम लगता था भाई ऑडियो वीडियो सिंक करने में। और आप लोग देख सकते हो हम माइक अपनी यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं, तो ये चीज़ों को अभी रखते हैं साइड में। सबसे पहले माइक टेस्टिंग करेंगे, यानी यहाँ से माइक अडाप्टर हम कनेक्ट करके रखे हैं, और माइक के लिए हम यहाँ से कनेक्ट करे हैं। तो अब जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, ये है अपनी गोप्रो विथ माइक अडाप्टर एंड सोनी का माइक। तुम क्या कर रही है यहाँ पे? तो मेरी आवाज़ सुनने आती है, कहाँ जा रहे हैं बताओ? टुपुदाना कहाँ करने जा रहे हो बताओ? अपना दोस्त मिलना। अच्छा, नहीं करो उसको। अरे तुम कहाँ आ रही? क्यों? हटो 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 हटो। हेलो बोलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। तो भाई आ गए नए मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। इस चीज़ की मेरे को काफ़ी नीड थी भाई, क्योंकि मेरे वीडियोस काफ़ी लेट लेट आ रहे थे, और सच बताएं तो मेरा यूट्यूब करियर वैसे भी छोटा सा है, और हम चाहते नहीं थे कि हम उसको पूरा ख़त्म ही कर दें। हम किधर से भी जाएंगे ना, हमको थोड़ा बहुत ऐसे कीचड़ वाला रास्ता से पार होके ही जाना पड़ता है, और यहाँ पे मिलती है मछली एकदम फ्रेश तो नहीं बोलेंगे। अब ये लोग कहाँ से ला के बेचता है, बट हम कभी यहाँ से ले गए नहीं है, और मेरा घर में नॉनवेज बनता नहीं है, एंड अपना गोप्रो केस भी लग चुका है, तो उसकी वजह से शायद से मेरा जो गोप्रो एंगल है ना वो डाउन रहेगा। सो राइट साइड में आप खेलगांव स्टेडियम देख सकते हो, इतना टाइम तो फ्री रहता है, आप घुस सकते हो, कोई छेकेगा नहीं, कोई रोकेगा भी नहीं, बट अगर 10 बजे के बाद आते हो तो शायद से पास लगता है उसके लिए, और पास भी आपको वहीं पर बन जाएगा, गार्ड अंकल लोग बना देते हैं। सबसे पहले अभी माइक का नॉइस कैंसलेशन देखते हैं क्या सीन है इसका, ज़्यादा स्पीड में अगर चलते हैं और बात करते हैं आप लोग से तो कैसा मतलब अच्छा रहता है कि नहीं। ये माइक की खासियत यह है कि इसमें अलग से बैटरी नहीं लगती है, जो भी बैटरी यूज होगा ना वो गोप्रो से ही होगा। अरे अरे अरे, भारी सीन, पब्लिक रिएक्शन। माइक का थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा लेंगे, इस रिकॉर्डिंग को हम जब एडिट करेंगे और जब मेरी ऑडियो हम सुनेंगे ना तो हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कहाँ पे इसको फिट करें। हो सके तो थोड़ा बहुत और कुशनिंग भी करना पड़ेगा अगर ज़्यादा नॉइस आएगा बाहर से, तो अभी तो मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आएगी, बट जैसे हम जाएंगे भाई रिंग रोड और मुर्ग कुदाएँगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है मतलब विंड ब्लास्ट ज़्यादा रिकॉर्ड करे। कंपनी कहती है कि नॉइस कैंसलेशन बहुत तगड़ा है ये माइक का। सो अभी मेरी बाइक की स्पीड है 53, एंड मेरी हेलमेट का जो वाइजर है वो भी खुला हुआ है, थोड़ी सी आवाज़ फट रही होगी हमको जहाँ तक लगता है, और अभी मेरी वाइजर पूरी तरह से बंद है, अभी थोड़ा सा ऑडियो ठीक आ रहा होगा। आप लोग को अब जल्दी जल्दी ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ में 4 घंटा लगना चाहिए उसमें हम 4 दिन लगा देते थे, एंड ऑडियो वीडियो सिंक करने के चलते ना हमको बहुत बार अपनी जो वीडियो है उसमें क्रिएटिव फ्रीडम मिलता नहीं था, और हम वीडियो को और ज़्यादा अच्छा बना सकते थे, बट उसी के चलते नहीं बना पाते थे, क्योंकि हमको उसमें ऑडियो को भी एडिट करना पड़ता था, बट अब ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड अभी जाएंगे हम टुपुदाना, और अपने दोस्त लोग भी आए हुए हैं गुमला से, अपने भाई लोग, तो वो लोग से भी मिलना है। लिटाते हैं बाबा, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में लिटा दिए तो हम भी लिट जाएंगे। सो अब मेरी बाइक की स्पीड है 100+, और ऑडियो थोड़ा सा फट रहा होगा क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है, विंड ब्लास्ट ही बहुत ज़्यादा है। तो पहुंच चुके हैं रिंग रोड। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अरे भाई मेरी आवाज़ नहीं आ रही हमको लग रहा है 100%। भाई इधर तो मौसम पूरा बदल गया अचानक से, पीछे धूप था और पूरा इधर छाया छाया वाला सीन हो गया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अच्छी घंटा, बहुत गंदा वाला रिकॉर्डिंग हो रहा होगा ऑडियो अभी, एकदम हद से ज्यादा खराब। इतना खतरनाक वाला लुक दे ही देता है ना मामूलों की, फट जाती है थोड़ी देर के लिए, तो फिर बाद में पता चलता है कि हाँ सिलना भी होता है तो सिल लेते हैं। अरे अरे, भयंकर ड्राइवर है भाई, लड़की बैठा के पूरा ठोकरों में कुदा दे रहा है। सो वीडियो लोग, अगर आप लोग MT15 लेने का प्लान कर रहे थे तो अभी जाके ले सकते हो, इस बाइक की डुअल चैनल ABS वाली वेरिएंट आ चुकी है। अगर आप लोग चाहते हो तो हम जाके शोरूम में पता कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत बाइक के बारे में आप लोग को बता सकते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें इस बाइक में मिल रही है, मतलब इसमें नहीं अभी नया वाला जो मॉडल है वर्जन 3। सो गाइस, पहुँच चुके हैं नामकुम बाज़ार, और आज तो संडे है नहीं तो आज बाज़ार लगेगा नहीं यहाँ पर, कल संडे है तो कल बाज़ार लगेगा।
और भी भयंकर वाला बाजार लगती है यहाँ पे, बांडा बाजार बोलते हैं उसको। तभी घर जाएंगे, सबसे पहले अपनी वीडियो चेक करेंगे कि इसका जो ऑडियो है वो कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा है और कहाँ कहाँ पे इसमें इम्प्रूव करना है। हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ा बहुत जो नॉइस कैंसलेशन है ना, उस पर हमको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। हो सके तो हम अपना जो माइक है उसका प्लेस चेंज कर लेंगे, एंड अपना जो माइक है उसका प्लेस भी हम चेंज करके देख लेंगे। जहाँ पे भी परफेक्ट ऑडियो आएगी ना, वहीं पे हम फिक्स कर देंगे। अभी तो बस हम इसको टेस्ट कर रहे थे, पता नहीं मेरा टेस्ट सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही ऑडियो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे नहीं थे। और अपना iPhone XR से हम ऑडियो रिकॉर्ड करते थे जो कि बहुत क्रिस्प आती थी, एंड आप लोग भी बोलते थे कि मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत सही लगती है। सो अब देखते हैं कि ये माइक में कितना दम है। बाकी ये सारी चीज़ें आज रिकॉर्ड हो चुकी है, तो अब आप लोग भी सुन ही पाओगे सारी चीज़ें, हमको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब आएंगे मतलब जल्दी जल्दी से ब्लॉग। तो ये वाली ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।